एनीवे कोई बात नहीं, तो आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई लाइब्रेरी के बारे में जिसका नाम है प्लायर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपेटेबिलिटी लेयर, उसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप लोग जूम करके देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपेटेबिलिटी लेयर। ठीक है, इस लाइब्रेरी की मदद से आप लोग अपने पीसी के हार्डवेयर, लैपटॉप के हार्डवेयर, ब्राइटनेस, वो सभी को एडजस्ट कर सकते हैं, और बैटरी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन ला सकते हैं। फिलहाल मेरा रिकॉर्डर ऑन है तो मैं यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन फॉर सम रीजन नहीं ला पा रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है पता नहीं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम आई एम पाइथन डेवलपर। इंस्टाग्राम की ओर से मुझे मेल आया, मेरा मतलब है मैसेज आया। यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो मुझे वहाँ नोटिफिकेशन में मिला था, लेकिन यहाँ पर वो जो पॉपअप मिलना चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई कर जो फंक्शन था वो मैंने दिखाया दिया, और आप लोग बैटरी भी देख सकते हैं इसी में, बैटरी इन्फो करके भी एक फंक्शन है, तो मैंने ये क्या कर दिया, 0 0 नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पर बैटरी इन्फो करके भी एक फंक्शन है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो इज चार्जिंग फॉल्स लिख रहा है मेरा, ठीक है, इस चार्जिंग फॉल्स है और परसेंटेज है 89। ठीक है, यहाँ पर मेरे बैटरी के परसेंटेज 89 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी पर क्लिक करके 89% है मेरी। और जो कहाँ गया, ये चार्जिंग में कनेक्शन है या नहीं वो नहीं है मेरा, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने बैटरी इन्फो को भी रन कर सकते हैं। अब अगर आप पीसी वगैरह में है, डेस्कटॉप वगैरह में है, तो आप लोगों में जो ये बैटरी इन्फो है वो शायद रन ना भी करे, ठीक है। अब ऐसे तो ढेर सारे फंक्शन है इस लाइब्रेरी में जिसकी मदद से जो आपके कंप्यूटर में रन ना करे, जैसे कि वाइब्रेटर। वाइब्रेटर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में नहीं होता, वो सिर्फ फोन में होता है, तो वो जो वाइब्रेटर वाला जो फंक्शन है वो आपके कंप्यूटर में रन नहीं कर सकेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, सीएमडी में आप लोग, सीएमडी अपना ओपन करना आप लोग, और वो सीएमडी में लिखना पाइथन, आप लोगों को शायद ये पता होगा, और पाइथन में लिखना हेल्प, हेल्प लिखना, उसके अंदर लाइब्रेरी का नाम लिखना प्लायर, ठीक है। अब एंटर मारना, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले वो जो मिला आप लोगों को कहाँ पर, वहां यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पर प्रोक्सीमिटी सेंसर। प्रोक्सीमिटी सेंसर मोबाइल में होता है, स्मार्टफोन्स में होता है, जैसे ही हम कोई कॉल को रिसीव करके अपने कान में रखते हैं फोन को, तो वो अपने आप फोन बंद कर देता है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, तो वो जो है वो अपने फोन में तो नहीं होता है। लाइट करके एक फंक्शन है यहाँ पर, लाइट हमारी फ्लैश लाइट अपने स्मार्टफोन में होती है वो। फिर आईआर ब्लास्टर करके एक फंक्शन है यहाँ पर, आईआर ब्लास्टर आप लोगों ने देखा होगा, आप फ्लैगशिप फोन में, ढेर सारे फ्लैगशिप फोन में आईआर ब्लास्टर करके होता है, तो वो सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपेटिबिलिटी लेयर करके, ये जो लाइब्रेरी है वो स्मार्टफोन के हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए बनी है। बेसिकली इसका जो आप लोगों को अगर पता होगा कि हम एंड्रॉयड फोन अपने मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जावा और कोटलिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल पाइथन में भी हम पाइथन का भी एज अ एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन फॉर एंड्रॉयड करके एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप लोग PYP पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर है पाइथन फॉर एंड्रॉयड, लिखना आप लोग पाइथन फॉर एंड्रॉयड, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली लिंक मिलेगी ये वाली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाइथन में हम अपना पाइथन का जो कोड रहेगा वो हम अपने एंड्रॉयड फोन में रन करवा सकेंगे एपीके एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। कीवी जो हमारा पैकेज है उसका इस्तेमाल होएगा, तो ये सब हम कर सकते हैं अपने पाइथन की मदद से। अपना पाइथन प्रोग्राम जो है वो हम अपने एंड्रॉइड फोन में भी रन करवा सकते हैं, तो बेसिकली इसी पर्पज के लिए इस मॉड्यूल को बनाया गया है, प्लायर मॉड्यूल को। कि आप लोग, अब मान लीजिए आप लोग ने कोई ऐसी ऐप बना डाली जो मोबाइल के हार्डवेयर को एक्सेस करती है, तो वो प्लायर की मदद से पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइब्रेरी की मदद से आप लोग कुछ अपने आने वाले वीडियो में हम लोग इसी में ढेर सारे डिटेल वीडियो देखेंगे, मोबाइल डेवलपमेंट देखेंगे पाइथन में कीवी लाइब्रेरी की मदद से, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ होगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भैया। यहाँ पर एंड्रॉइड के मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर कीवी टच ट्रैकर में
बताया है इन्होंने। तो ये आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, और बहुत कुछ है कीवी में। कीवी का इंस्टॉलेशन वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हो सकता है, और बहुत कुछ होगा इस चैनल पे। पाइथन में हम कोडिंग करेंगे, एंड्रॉइड में, और एपीके बनाएंगे यहाँ पर पाइथन की मदद से। पाइथन में मोबाइल डेवलपमेंट करेंगे पाइथन की मदद से। तो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर और मैंने वो जो आपको बताया ना, वो कहाँ गया, ये रहा जायरोस्कोप जो है, वो ह्यूमिडिटी जो ढेर सारे जो सेंसर है वो आपके कंप्यूटर में ना भी काम करे, कैमरा, कंपास, कॉल। अब आप कॉल तो नहीं बना सकते, ठीक है, कॉल तो आप नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर की मदद से, तो वो यहाँ पर नहीं करेगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपने प्लेयर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बेसिकली ये विंडोज में लिमिटेड फंक्शन है इसके, एंड्रॉयड में फंक्शन बहुत सारे हैं इसके, बहुत कुछ इस्तेमाल हो सकता है एंड्रॉयड में। वो हमें बनाना पड़ेगा एपीके की मदद से। यहाँ पर एक वेबसाइट में मैं आपको बताता हूँ कहाँ गई, ये रही, ये नहीं, कहाँ गई, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। प्लायर, यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा एक लाइब्रेरी जो है वो ये रही, ठीक है, codementor.io। ये आप लोग जाकर विजिट करना ये वेबसाइट को, यहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि हिस्ट्री पाइपलायर की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर आप लोगों को अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट पता है तो android.content ये सब कुछ इस्तेमाल करके आप लोग कॉल को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रिगर नंबर टू ट्रिगर कॉल। तो यहाँ पर इसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, आप लोग पढ़ लेना ये कीवी जो मैंने आपको बताया, कीवी का इस्तेमाल तो आप लोग यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ। अब और नई लाइब्रेरी में देखूंगा, अगर नहीं मिलती है तो और अच्छा देखेंगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, कुछ नया देखने को मिला। लेकिन हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे पाइथन में, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम बहुत ही जल्द एंड्रॉइड डेवलपमेंट पाइथन में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।